और अपने समाज की और जो रिप्रेजेंटेशन की बात है, रिजर्वेशन की बात है, आप इस संगठन में रहते हुए आप रख सकते हैं। कई बातें मैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के संगठनों से लगातार लोगों से सुनता हूँ। कांग्रेस की लगातार कोशिश है कि जो शोषित वंचित तबका है, खासकर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, उसको जोड़ा जाए। मेरे साथ अनिल मीना है, राजस्थान से आते हैं, जेएनयू के छात्र रहे हैं और यूथ कांग्रेस में अभी काम कर रहे हैं। मीना जी, कितने साल हो गए कांग्रेस में? 2007 में हम पहली बार चुनाव लड़े थे जेएनयू में, राजस्थान यूनिवर्सिटी से। अच्छा, फिर उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 2008 में हमारा एडमिशन हुआ। फिर तभी से हमने छात्र राजनीति को एक नए तरीके से शुरुआत की। एक दिल्ली प्रदेश स्तर पे हमने कई तरह के चुनाव लड़े। फिर उसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए हमें राहुल गांधी जी ने चुना 2017 में। उस समय फिरोज खान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बने। फिर संगठन ने हमारे काम और मेहनत को देखते हुए एक बार हमने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मोदी जी को और उसकी पूरी टीम को एक रावण के रूप में प्रेजेंट करके उसका एफिजी बर्निंग किया था। अभी क्या डेजिग्नेशन है आपकी पार्टी कांग्रेस में? अभी दिल्ली प्रदेश के इंचार्ज हैं रिसर्च डिपार्टमेंट के। सोचिए, मीना जी को मैं तब से जानता हूँ जब जेएनयू में कांग्रेस का नामलेवा नहीं होता था। वहाँ लेफ्ट का और एबीपी का दौर रहा है, बापसा का दौर है, लेकिन मीना जी लगातार कांग्रेस के साथ बने हुए थे। और क्या देख रहे हैं अभी? मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, जिस तरह से शेड्यूल कास्ट के लोगों को मुख्यमंत्री बनाया पंजाब में, तो अब भागीदारी के सवाल पर कुछ कांग्रेस इनिशिएट कर रही है। नहीं, एकदम बहुत ही अच्छा कदम है पंजाब में जो निर्णय लिया गया है। वहाँ पे पॉपुलेशन 36% के आसपास दलित कम्युनिटी है, और जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से लेके अब तक आदिवासियों का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे न के बराबर था। तो पहली बार ये सही निर्णय लिया गया है पंजाब में, और इसका जो दलित जो है वहाँ के, वो भी अपनापन महसूस कर रहे हैं इस गवर्नमेंट में। और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस को भारी बढ़त मिलेगी। ये तमाम तरह के घटनाचक्र हुए उसके बावजूद भी कांग्रेस मेजोरिटी से वहाँ पे आएगी। राजस्थान से आप आते हैं मीना जी, के राजस्थान में अगर बात करें तो आपके सीएम जो हैं वो लगातार रिपीट कर रहे हैं। वहाँ बहुसंख्यक आबादी मीना, गुर्जर और ओबीसी की है। सही बात आप कह रहे हैं। कितना परसेंट मीना समाज के लोग हैं? तकरीबन 13% के आसपास अकेले मीना। मीना में एसटी में भी भील मीना, गरासिया, सब मीना, एसटी कम्युनिटी का जो पॉपुलेशन है वो 13% के आसपास है। तो कैसे देख रहे हैं सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जब से आई हैं, अब वो लगातार रिजर्वेशन की, अविनीत रिजर्वेशन की उन्होंने मांग की, ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है, जाति जनगणना को लेकर बात हो रही है, तो क्या पार्टी के स्तर पर आप लोग अपनी बात आराम से रख पा रहे हैं कांग्रेस में? नहीं, एकदम हम खुलकर अपनी जो समाज की बातें हैं और सोसाइटी के जो भी मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, हम खुलकर रखते हैं। और कांग्रेस पार्टी हमें प्रमोट करती है कि आप अपने समाज की जो समस्याएं हैं उनको आप कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर मंच पर रखिए, और कोई बंदिश नहीं है। कोई बंदिश नहीं है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और लंबे समय से मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ भी, तो भी यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी मुझे पूरी तरह से खुला मंच दे रखा है। और अपने समाज की और जो रिप्रेजेंटेशन की बात है, रिजर्वेशन की बात है, आप इस संगठन में रहते हुए आप रख सकते हैं। मेरे कई साथी बीजेपी में काम करते हैं, वो बोलते हैं कि हम इस तरह, आप जो बोलते हो कांग्रेस में रहते हुए, हमें इस तरह से बोलते हैं तो हमारे संगठन से पत्ता साफ हो जाता है, शाम के समय हमारे को रिज़ाइन करना पड़ता है। इस तरह की कई बातें मैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के संगठनों से लगातार लोगों से सुनता हूँ। ये मुझे बहुत बहुत पॉजिटिव पक्ष है, मैं इसलिए कांग्रेस से जुड़ा हूँ। आपका पीएचडी कंप्लीट हो गया मीना जी? हाँ, मेरा पीएचडी 2018 में। सोचिए, अनिल मीना है, इन्होंने जेएनयू से पीएचडी किया है और आज इनका जन्मदिन भी है। तो मेरी लगातार कोशिश होती है कि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के वो लोग जो राजनीति में सक्रिय हैं, एक दौर था जब लोग रिजर्व सीट पर अपने नौकरों को चुनाव लड़ाते थे, उसके बाद माननीय कांशीराम साहब आते हैं, वो नारा देते हैं कि राज वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, और उसके बाद तमाम पार्टियों में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो युवा हैं वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नेशनल सदस्य की लगातार कोशिश है कि ऐसे ही युवाओं को से आपको रूबरू करा जाए। आज की इस कड़ी में हमारे साथ थे अनिल मीना, जो जेएनयू से पीएचडी हैं और यूथ कांग्रेस में लगातार काम कर रहे हैं। ये राजस्थान से आते हैं, मीना समुदाय से आते हैं। आदिवासी समाज के हकों की अभी बात जो है वो अभी काफ़ी अधूरी है, ये लड़ाई भी आगे लंबी चलेगी।
कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।